यार कोई हिंदू है ना खेलेगा राजस्थान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज पाई, मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं क्या मैं तुम्हारा उठा के तुम्हें उठा के व्यापार नहीं आया। लेकिन जहाँ उन्होंने ये बात करी वो बात ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मेरे लिए क्या सोचते थे और मेरे लिए क्या बात करते थे। तफसीलात के मुताबिक साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने एक प्रोग्राम में बातचीत के दौरान दावा किया है कि लेग स्पिनर दानिश कनेरिया को हिंदू मजहब की वजह से कौमी टीम में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता था। शोएब अख्तर ने दावा किया है कि कई खिलाड़ी इसी वजह से कनेरिया के साथ काना नहीं खाते थे, मैं हमेशा ही इन्हें ऐसा करने से मना करता था, बहुत से लोग इसी वजह से दानिश कनेरिया की टीम में मौजूदगी की भी खिलाफ थे। दूसरी जानिब दानिश कनेरिया ने पाकिस्तानी टीम में अपने साथ होने वाली इम्तियाजी सलूक से मुतल्लिक शोएब अख्तर के दावे की तस्दीक कर दी। दानिश कनेरिया का कहना है कि शोएब एक लेजेंडरी प्लेयर है, पहले मुझ में इस बारे में कुछ कहने का हौसला नहीं था, मगर अब शोएब भाई की कमेंट्स के बाद मैं भी बोलूंगा, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इंजिमामुल हक मोहम्मद यूसुफ यूनस खान भी हमेशा सपोर्ट करते रहे जो ऐसा नहीं करते थे, मैं जल्द ही इनके नाम जाहिर कर दूंगा। दानिश कनेरिया ने मजीद कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि पाकिस्तान की जानिब से खेलने का मौका मिला। इस वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।